प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत बार वहाँ सभी के, आपके साथ हम बानी राकेश पांडे। देश दुनिया के खबर आपन बोली आपन भाषा में लेके शुरुआत कर जाओ बड़ खबर के साथ। बड़ खबर मसूद अजहर के लेके, काल यूएन में ओके ग्लोबल आतंकी घोषित करके प्रस्ताव गिर गए। चीन एक बार फिर आपन वीटो लगा के भारत के राह में रोड़ा अटकल। ये चौथी बार रहे जब चीन आपन वीटो लगा के मसूद अजहर के बचा लेलस ग्लोबल आतंकी घोषित होकरा के बाद। अब ये फैसला के बाद देश में सियासत चरम पर बैठे। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा बिया। मोदी सरकार के चीन के लेके नीतियन पर कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल खड़ा कर जा रहा बा। तो जिको बीजेपी भी हमलावर मोड में बा। बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस और नेहरू के लेके सवाल खड़ा कर जा रहा बा कि आखिरकार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कांग्रेस और नेहरू की वजह से ही मिला। सुषमा स्वराज ए बीच सामने आई, विदेश मंत्री साफ तौर पर चेतावनी दिली पाकिस्तान के साथ ही इमरान खान से भी कहनी कि अगर वाकई में उदार बने महान बने जैसन को दिखावे के कोशिश कर रहा बाणन तो मसूद अजहर के भारत के सौंप दें। ओकर का करे के बाद हिंदुस्तान देख ली, और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करत यानी मसूद अजहर के भारत के नेखे सौंपत तो दूसरा विकल्प भी भारत के पास खुलल बा। ओकरे बाद सवाल ये उठल बा कि का वाकई मसूद अजहर के इलाज स्ट्राइकी बा, का ओकर घुस के मारल ही ओकर एकमात्र इलाज बा। लेकिन फिलहाल वर्तमान में देश में सियासत चरम पर बा। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार हो रहा। आज के दूसरा बड़ खबर की ओर रुक कर जा। दूसरा बड़ खबर चुनाव सियासत के लिहाज से काफ़ी अहम बा, कहे कि वर्तमान में चुनावी बिसात पर सब कुछ देखा जा रहा बा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ये काफ़ी करीबी रहल, करीब 20 साल तक कांग्रेस में रह चुकल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होकर के बाद टॉम वडक्कन कांग्रेस पर हमला बोले, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोले और ये कहले कि कांग्रेस के जो पॉलिसी बा वो यूज एंड थ्रो के पॉलिसी बा, वो 20 साल कांग्रेस के दिले लेकिन उनकरा बदले बहुत कुछ हासिल ना भइल। कांग्रेस में वंशवाद काफ़ी हावी बा और ये बात के लेके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोले। इनको आपको ये बता दें कि बात अहम बा, कहें कि टॉम वडक्कन कांग्रेस में करीब 20 साल तक रह चुकल बने, सोनिया गांधी के निजी सहायक रहले। जब राहुल गांधी अध्यक्ष बनले तभी कहल जात रहे कि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी उबड़न, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी रह चुकल बने। लेकिन चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले उनकर बीजेपी में शामिल होकला के बाद एक एक कांग्रेस खातिर बड़ झटका मानल जा रहा। आज के तीसर बड़ खबर करतारपुर कॉरिडोर के लेके बाद भारत पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच आज बैठक भइल। इस बैठक के बाद भारत की ओर से साफ कर दिया गया कि ई द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत नहीं की, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण कैसे हुई ये मुद्दा के लेकर बातचीत रहा। एकर अगला बैठक 2 अप्रैल के हुई। ए बीच भारत की ओर से मांग कर गई बा कि करतारपुर कॉरिडोर में जो प्रवेश बा ओके वीज़ा फ्री रखा जाओ। पाकिस्तान ए पर अपन सहमति जतौले बा, पॉजिटिव संकेत दे बा और बोलल बा कि ये आश्वासन के पूरा करे के कोशिश कर जाए, यानी सैद्धांतिक तौर पर पाकिस्तान अपन सहमति जतौले बा। अब आगे के बातचीत ए पर 2 अप्रैल के हुई। अभी को खबर आपके बिहार के हाजीपुर से आप बताएंगे आपके, जहां पर पकड़ुआ विवाह के एगो मामला सामने आयल बा। हाजीपुर से ये पूरा खबर बा, जहां पर एगो युवक के बंधक बना के 3 दिन तक ओके रखल गई। 3 दिन के बाद ओकर शादी कल गई, दुल्हन के ओकरा साथ विदा कर दिहल गई। हैरानी की बात ई रहे पूरा घटनाक्रम में कि पूरा विवाह पुलिस के मौजूदगी में भइल, लेकिन पुलिस ए पर कोनो टीका टिप्पणी ना कैलस, ना ही जबरन करावल जा रहे ए विवाह के रोके के पुलिस कोशिश कैलस, बल्कि बाकायदा एक वीडियो बनावल गई और वीडियो सर्कुलेट भी हो गई ओकरे में। आखिर में बात होली के कल जा, होली मस्ती मिलन के पर्व बाटे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में एकर क्रेज बहुत ज़्यादा देखे के मिलेला। बरसाना में आज के दिन काफ़ी अहम रहे, कहें कि जो लड्डू वाला होली खेल गई, होरियारन पर यानी जो होली खेले पहुँचे ला लोग उनपर पर लड्डू के बारिश भइल, लड्डू बरसावल गई, काल लठमार होली हुई। ये होली के अपन एगो खास महत्व बा, एक देखे खातिर देश विदेश और देश भर के कोना से लोग पहुँचे ला लोग बरसाना में। ये दौरान जे महिला बाड़ी जे गोपियन जिनके माना जाला वो पुरुषन पर लठ बरसावेली और एगो ढाल के जरिए पुरुषों से बाँचे के कोशिश करेले। तो एक खास पर्व बा होली के, जेकर रंग और एक तस्वीर भी हम लोग आपके लगातार दिखावत रह। चलिए फिलहाल आज अभी खातिर बस इतना ही, लेकिन लगातार आपन बोली आपन भाषा में देश दुनिया के खबर से हम आपके रूबरू करावत रह।